अभी 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस में 97.6% मार्क्स ऑब्टेन करे हैं और उनके अंदर स्किल सब्जेक्ट के मार्क्स इंक्लूड करके 97.6 अपने टोटल मार्क्स आ जाते हैं परसेंटेज। और आपका जो सब्जेक्ट रहे स्पेशली मैथ और साइंस को लेकर, तो मैथ में हाईएस्ट कितने रहे? मैथ्स में मेरे कंप्लीट फुल स्कोर रहा है 100 out of 100। और साइंस को लेकर? साइंस में 95 out of 100 का 100 है, मतलब 95 साइंस में है और मैथ्स में आपके 100 मार्क्स आपने गेन किए हैं। तो आपको अब जैसे इस कोचिंग में जो आने वाले बच्चे हैं उनको लिए, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे कोचिंग को लेकर? कोचिंग को लेकर तो मेरा यही मैसेज रहेगा कि फैकल्टी जो है यहाँ पे, जो आपको टीचर्स मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लासिक टीचर्स हैं, एकदम अच्छे टीचर्स हैं, आपको अच्छे एकदम प्रॉपर तरीके से पढ़ाएंगे। राजेंद्र सर, एसपी सर और एवन सर तीनों केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स के टीचर्स हैं, एक्सपर्ट टीचर्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसी कोई, और आपको पूरा एकदम नोट्स के अंदर से ही मिलेगा सब कुछ। नोट्स जितने मिलेंगे ना उनको पढ़ लो, इनफ है। और साथ में एनसीईआरटी को थोड़ा फोकस करके चलोगे तो फिर आपके लिए वही है, बेस्ट रहेगा। थैंक यू आर्यन फॉर गिविंग दिस इंटरव्यू। आप अपने स्कूल का नाम बताएं। मेरा नाम अभिषेक अत्री है, मेरे स्कूल का नाम आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर है। मैंने 97.2% स्कोर किया इंक्लूडिंग स्किल सब्जेक्ट, और मेनली तो बस यही था। और बाकी हमारे जो टीचर्स हैं यहाँ पे, फैकल्टीज हैं, हमारे एसपी सर हैं, राजेंद्र सर हैं और एवन सर हैं, तो वो बेस्ट टीचर्स हैं। क्योंकि खासकर केमिस्ट्री में देखा जाए तो हमारे राजेंद्र सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे, और मैथ्स में भी सर ने जो क्वेश्चंस कराए थे BYQs, उनमें से क्वेश्चंस आए हैं पेपर में। और फिजिक्स में भी हमको मतलब काफ़ी अच्छे से समझ आता था, एवन सर पढ़ाते थे कई बार। तो मतलब कुल मिला के आपका पूरा सिलेबस कवर कराएंगे और आपका पूरा वो करवा देंगे, रेडी कर देंगे आपको बोर्ड एग्जाम के लिए। अच्छा, एक अपनी टेस्ट सीरीज वगैरह चलती थी, उससे फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? टेस्ट होते थे हर महीने, मॉक टेस्ट होता था, तो उसमें इतना सिलेबस करवा दिया जाता था, वो आता था, तो उससे काफ़ी बेनिफिट मिला क्योंकि उससे अपनी प्रोग्रेस मॉनिटर कर पाते थे हम लोग, जिस कारण से हमें काफ़ी फायदा मिला। और कोर्स में कुछ कुछ जो बाइक यूज़ थे क्योंकि वो मेनली उसमें इंक्लूड हो जाते थे मॉक टेस्ट में, तो वो रिपीट हुए थे कोर्स सारे। तो उसी अगर हम बात करें कि नेक्स्ट जैसे भावी जो बच्चे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे कोचिंग में, कोचिंग के लिए क्या एडवाइस दोगे बच्चों को, किस तरह कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, उसके लिए भावी बच्चों के लिए क्या बोलना चाहोगे? देखिए, आप अगर इस कोचिंग को ज्वाइन करते हैं तो फिर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं सिर्फ उसी को फॉलो करें, जो नोट्स दिए जा रहे हैं उनको रेगुलरली पढ़ें, और जो कराया जा रहा है उसको उसी टाइम पर खत्म करें, बैकलॉग ना बनने दें, तो आपके काफ़ी अच्छे परसेंटेज मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू अभिषेक, बहुत बहुत बधाई दोबारा, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर।